इस मरतबा आप फ्रांस जा रहे हैं? जी बिल्कुल, फ्रांस ओलंपिक्स हो रही है और इसके लिए भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट क्वालीफाई कर लिया। वाह वाह, पाजी ने तो वीजा की जरूरत पड़नी। जी यानी उठ के टुर जाना जी। तो ये सेकंड दफा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट क्वालीफाई करके, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा है। माशाल्लाह, 6 माह पहले जो है ना वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी बुडापेस्ट हंगरी में, तो वहाँ पे मैंने ये मेडल जीता है वर्ल्ड में। हमारा ये भी पाकिस्तान की तरीक रकम की है मैंने, कि वर्ल्ड में मैं सेकंड हुआ हूँ। बस थोड़े से फासले से मैं आ रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं उसको हार नहीं समझूंगा। आप समझ लें कि मैंने जो थ्रो की थी वो 87.82 थी और जो फर्स्ट था उसकी 88.07 थी। तो इसमें मुझे इंजरी भी थी राइट नी की, तो अगर देखा है तो शायद मेरी इंजरी ना होती तो मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड कर चुका था, क्योंकि वर्ल्ड का रिकॉर्ड जो है वो 92 पॉइंट है। अच्छा। और मेरी जो बेस्ट रो है वो 90 प्लस है। अच्छा, तो 90 प्लस जी। ग्रेट यार। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप से पहले एशियन चैंपियनशिप हुई थी थाईलैंड में। और इस वक्त जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड वो 98 है। 98.48 है। वो किस मुल्क के? यानी कि वो चेक रिपब्लिक के हैं, जॉन्स लेजनी उनका रिकॉर्ड है। चेक जी। और किस किस्म की ट्रेनिंग आप करते हैं? ट्रेनिंग हमारी मुख्तलिफ होती है, तकरीबन हमारे दो सेशन होते हैं सुबह और शाम का, 2.5 से 3 घंटे सुबह हम करते हैं। अगर सुबह हमने अगर 2.5 से 3 घंटे नहीं किए तो शाम को करेंगे, और साथ 1.5 से 2 घंटे होते। अच्छा, बाकी तो जिम करते होंगे, दीगर एक्सरसाइज करते? इसमें जिम आ जाता है, आपकी स्पीड वर्क आ जाता है, मेडिसिन बाल आ जाते हैं, और जैवलिन की टेक्निक है, हर्डल जंप आ जाते हैं। जैवलिन कितनी मरतबा एक दिन में आप जैसे कहते हैं? हम हफ्ते में 2 टेक्निक करते हैं जैवलिन की। 100 मरतबा 150 मरतबा नहीं, मेरी जो मैक्सिमम है, मैं जो जैवलिन की थ्रो करता हूँ वो तकरीबन 25 से 30 बस। अच्छा। इससे ज्यादा नहीं मैं करता। अच्छा। भाई इतनी करता हूँ, उसके साथ भी ट्रेनिंग होती है, हमें शॉट पुट की जो है ना वो थ्रोइंग करनी पड़ती है, वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। उसके साथ फिर हर्डल जंप होते हैं, फिर अखाड़े में जंप होते हैं, और स्पीड वर्क होता है। वाह, टोटल बॉडी क्या है? जो बाजों की रेंज है ये ज्यादा है। अच्छा। वर्ल्ड में तकरीबन मेरे ख्याल में मेरे बाजों की रेंज ज्यादा है। अच्छा अच्छा, तो ये भी वजह है, और दूसरी हाइट की भी माशाल्लाह है, और बॉडी जो है तो एक आइडियल बॉडी है। हाँ जी, आइडियल बॉडी है मेरी। वेरी गुड, जैवलिन के लिए। माशाल्लाह, तो ये वर्ल्ड में जितने भी कोचेज हैं माशाल्लाह उन्होंने बोला हुआ है कि आपकी माशाल्लाह आइडियल बॉडी है जैवलिन थ्रो के लिए, और आप में 100 मीटर की कैपेसिटी है। हाँ। आप 100 मीटर थ्रो कर सकते हैं अगर आपको वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज मिल जाए। अगर मिल जाए तो और मुझे जो जर्मनी के कोच हैं उन्होंने भी ऑफर की है। अभी साउथ अफ्रीका भी जा रहा हूँ, तो पहले मैं साउथ अफ्रीका गया था ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने ट्रेनिंग करवाई थी, मुझे नी की और एल्बो की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा कि यार आपको इंजरी है, तो उन्होंने इतनी ट्रेनिंग नहीं दी, मसलन के छोटी छोटी ट्रेनिंग करवाई है जिसमें ज्यादा लोड ना आए बॉडी में। तो मैंने की, फिर मैं वापस आया तो मैंने आगे थ्रो की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही अभी जो कोच है वो कह रहे हैं कि यार रशनदीम को हमारे पास भेजे, कि अगर ये इस इंजरी के साथ, नी और एल्बो की इंजरी के साथ इतना बड़ा परफॉर्म कर सकता है माशाल्लाह, और अगर ये मुकम्मल फिट हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 मीटर की कैपेसिटी है, ये कर सकता है माशाल्लाह। तो और आप उम्मीद है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो 98 है। 98.48 इसका मतलब है कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी बना सकते हैं और जो सबका है उसको बीट कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और ये वर्ल्ड के कोच बोलते हैं जिनका रिकॉर्ड है उन्होंने भी बोला है। वाह वाह वाह, क्या बात। अच्छा साहब, कोई नदामत जिंदगी में, कोई अफसोस? अभी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और उस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिल रही, और अगर देखा जाए तो इस मुकाम पे पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है, और जिस तरह मैं पहुँचा हूँ मुझे पता है कि मेरे खुदा को पता है या मेरे जो कोच हैं उनको पता है। इदारे हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, उन्होंने आपके यहाँ तक पहुँचने में कितनी मदद की आपकी, बल्कि मैं कहूँगा कितना फ़र्ज अदा किया आपने? एथलेटिक फेडरेशन है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। अच्छा। और करते आ रहे हैं, और साथ अगर देखा जाए तो मुझे वापडा का बड़ा बेनिफिट है, उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब दी है। गुड। वापडा लेस्को में हूँ, 18वां ग्रेड है मेरा। गुड। तो वहाँ से माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट है। पाकिस्तान में स्पॉन्सर भी मुझे करते हैं कंपनीज, जैसे कि मुझे आर्मी ने बड़ा सपोर्ट किया है और वो करती है, और भी अगर देखा जाए तो आपको बहुत गिले नहीं है, मगर आप समझते हैं कि और हो सकता है? अगर देखा जाए तो उस तरह का नहीं हुआ जैसे मैं चाह रहा हूँ।
वर्ल्ड क्लास की, मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे वो पैसे दे दें, मैं चाह रहा हूँ कि जो मुझे जरूरत है ना वो खुद मुझे दें ला, ठीक है, मैं पैसे नहीं लूंगा उनके, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर मुझे जैवलिन की जरूरत है मुझे जैवलिन लेके दे, अगर मुझे वेट ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर मुझे ग्राउंड की जरूरत है, और भी बहुत सारी चीजें। एक जैवलिन जो है वैसे वो कितने मालियत का, एक जैवलिन जो है वो तकरीबन 7-8 लाख का है, 7-8 लाख का। तो मेरे पास 5 या 6 जो है ना ये जैवलिन होने चाहिए, क्योंकि एक जो एवरेज जो लोग दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में, उनके पास कितने जैवलिन जो है वो, उनके पास तो काफी जैवलिन है, जैसे कि अभी वर्ल्ड में एवरेज प्लेयर के पास कितने होने चाहिए, 5-6 उनके पास 5-6 होने चाहिए, होने चाहिए। और आपके पास, मेरे पास अभी देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल का जो है ना वो एक ही है, एक ही है, वो भी मैंने यूज किया है, और साथ जो मेरे लड़के ट्रेनिंग करते हैं वो भी यूज करते हैं। बस कोई ख्वाब जो अरशद आप समझते हैं पूरा होने से रह गया और अब नहीं हो सकता पूरा? अभी देखें कि ख्वाब जो है वो मैंने गोल सेट किए हुए हैं, मुझे कोई चीज़ मिल रही या नहीं मिल रही, लेकिन मैं पाकिस्तान की खातिर खेल रहा हूँ। मुझे 22 से भी बहुत सारी उन्होंने बोला कि आप हमारी तरफ से खेलें, तो अच्छा। मैंने मना, जी बिल्कुल अच्छा, बस मैंने उनको मुल्क ने कहा, अभी देखा जाए तो दुबई ने मुझे बोला है, और यूके से भी मुझे ऑफर आई है, इसी तरह जैसे तुर्की लगा लें, और उज़्बेकिस्तान जो है कंट्री उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मगर आपने कहा कि आपकी तरफ से नहीं खेल सकता, जी ऐसा है? मैंने उनको बोला कि मैं अपनी कंट्री की तरफ से खेलूंगा, पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा। सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का, सबसे खुश लम्हा क्या है? अभी तक देखा जाए तो मुझे भाई की वजह से शादी हुई, हाँ जी नहीं वो शादी तो कहते सबकी होती है और उसमें कौन सी खुशी की बात है, वो तो सबकी होती है खुशी, तो वो कईयों की नहीं भी होती, कईयों का मुंडा भी नहीं लग रहा होता। मैंने बहुत खुशी दी अरशद नदीम को, खुशी अगर देखा जाए तो जब मैं मेडल जीतता हूँ तो खुशी होती है कि यार मैं वाह वाह कम चीजों में गुजर के वाह वाह और इतना कम वसाइल के बावजूद, कम वसाइल के बावजूद भी मैंने पूरे वर्ल्ड में एक नाम बनाया अल्लाह ताला ने, तो ये बहुत बड़ी खुशी है। आपकी जिंदगी का सबसे खुश लम्हा, खुश तरीन लम्हा, हैप्पीएस्ट मोमेंट? बहुत सारे हैं, मुझे पता था कुछ बोलने लगे आप। चांद को देख के आपको खुशी का लम्हा? नहीं, वहाँ पे तो गम आ जाता है फौरन देख कर। खुशी का लम्हा ये है कि आप वैसे हमारी टीम के पीछे क्यों पड़ी हैं आज? फौतकी थे इनका फ्रूट, आपको खुशी होगी इनको फौतकी थे इनका फ्रूट कटी थी और फौतकी ऐसे लोगों के होते। चांद वो बेचारे आपको हंसा रहे हैं, आप उनके मरने की दुआ मांग रही हैं। कोई बात नहीं, लंबी उम्र होती है, कहने में क्या हर्ट जाता है। वाह, इन शॉर्ट यानी कि आप चाहते हैं कि ये ज्यादा जिए। बात कुछ और, आप तो ज्यादा जीने चाहेंगे। कौन सी ऐसी बात है जिया जो सबसे ज्यादा आप की जिंदगी में उदास कर देती है आपको? बाबा के बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, मैं बहुत एक लाडली बेटी जिसे कहते हैं ना वो थी। क्या कहते थे आपके बाबा प्यार से आपको? बाबा जेरो जिया। कैसे उनका इंतकाल हुआ? उनको लंग्स कैंसर था, वो भी अभी बायोप्सी के जरिए पता चलना था, और बाबा ने ऐसे किया था कि वो पूरा मंथ मेरे साथ रहे थे, मतलब मुझे सुलाते थे कि डेंगू ना हो, मुझे मामा को दूर रखना, अच्छा। सबको दूर रखना, और वो पूरे मंथ में मैंने जिस तरह उनको पेन में देखा है, और वो लोग सब्र कहते हैं ना बहुत आसान वर्ड है लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए जिस पे बीती होती है ना उसको बहुत डिफिकल्ट लगता है। हर दिन रात को नींद नहीं आती कि आपने जिस तरह बाबा को कंडीशन में देखा होता है कि वो रात को किस तरह से उनके आंखों में आंसू निकल रहे होते हैं, और कहते श्रिंक हो जाती है शरियाने और जो भी है, तो वो चीज़ फिर मुझे कहना सूरह रहमान सुनाओ, और मंजिल सुबह के टाइम मंजिल सुनते थे, मतलब इस तरह से ये चीज़ें ना मुझे बहुत, और उसके बाद उनके ना बर्नोला लगी हुई थी, उनको वो स्टीरोइड के इंजेक्शन लगे थे, तो वो बर्नोला उन्होंने कहा मामा को नहीं बताना, क्योंकि मामा थोड़ा सा ना इमोशनल हो जाती हैं, तो उन्होंने कहा मामा को नहीं बताना, तुमने रूम बंद करना है और तुमने बर्नोला उतारनी है। मैंने आज तक जिंदगी में, डॉक्टर भी थे, जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ से ना मतलब मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने निकाली और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और मैंने उनको पहली दफा रोते हुए देखा। मैं मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मैं अपने बाबा को इस तरह से करूंगी, और जिस तरह उन्होंने जब्त किया ना अपना इंटरनली पेन, और फिर कहते हैं कुछ नहीं होता, तुमने किसी को नहीं बताना, और कुछ चीज़ें थी जो अंडरस्टैंड मतलब समझा के गए मुझे
मैं बहुत बदतमीज कह लें या भाइयों के सामने जुबान चलाना या कुछ भी, मतलब मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, मैं वो करती थी। लेकिन उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल चुप हो गई हूँ, मतलब मैं मुझे जो कहते हैं मैं कर देती हूँ। मैं मतलब वो कहते हैं ना खामोशी, बाबा ने कहा था कि खामोशी इख्तियार करना, बहस नहीं करनी। बस बाबा मिस करती हूँ, अब हर चीज़ में उनको मिस करती हूँ, क्योंकि मैं छोटी थी, सबकी शादियाँ हो गई, तो मैं कहती हूँ मेरी बारी क्यों, मेरी बारी क्यों नहीं वो रुके, मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, मैं इतनी हर चीज़ को फेस करना होता है, आपने किस तरह आप चलते हो हर जगह, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन उन्होंने आपको कितना स्ट्रांग बनाया, लेकिन